सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम अभी तक आउ तक की मात्रा सीखी है ना। अब आगे हमें देखना है दो मात्राएं, अम और आ, उसे हम कहेंगे अनुस्वार और विसर्ग। चलिए कक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, मात्रा है अम आ, है ना, और ये भी हम अम की ध्वनि से ही पुकारते हैं, अम आ। इसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे एक बिंदी केवल व्यंजन के ऊपर केवल एक बिंदी लगाते हैं तो उसे हम कहेंगे अनुस्वार। और ये जो दो बिंदी साथ साथ लगा हुआ होता है तो उसे हम कहेंगे विसर्ग। प्रातः में जैसे दो बिंदी साथ में लगते हैं तो इस तरह जब बिंदी लगाते हैं तो हम उसे कहेंगे विसर्ग। तो आज हम देखेंगे अनुस्वार। देखो, उड़ी पतंग, उड़ना का अर्थ होता है फ्लाइंग, है ना, फ्लाइंग। उड़ी पतंग, पतंग क्या है ये देखो, काइट, पतंग। कौन उड़ा रहा है? एक बच्चा डोर लगाकर, डोर मतलब रस्सी, डोर मतलब रस्सी, रस्सी बांधकर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। तो क्या है? उड़ी पतंग। देखो मेरी नई पतंग, डोर के संग उड़ी पतंग, हरा नीला और पीला रंग, है ना, कितना सुंदर नई पतंग, है ना। एक बार फिर से देखें, देखो मेरी नई पतंग, डोर के संग उड़ी पतंग, हरा नीला और पीला रंग, कितना सुंदर नई पतंग, है ना। हरा है और नीला है, पीला है, हरा नीला और पीले रंग का है पतंग। क्या है? कौन कौन से रंग है? हरा, पीला और यहाँ पर लाल रंग है, है ना, हरा नीला पीला रंग का पतंग। तो ये पतंग उड़ी, कितना सुंदर नई पतंग। नया शब्द का क्या अर्थ था? नया, न्यू, नई मतलब ही न्यू। कितना सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, मेरा पतंग कितना ब्यूटीफुल है। देखो मेरी नई पतंग, देखो हावे लुक, देखो मेरी नई पतंग, मेरी मतलब माय, देखो मेरी नई पतंग, डोर के संग उड़ी पतंग, डोर मतलब ये रस्सी, ये रस्सी नूल, डोर, डोर के संग, संग मतलब साथ, डोर बांधकर, डोर के साथ मेरी पतंग बहुत ऊंचा उड़ रहा है। हरा है, ग्रीन है, नीला, नीला मतलब ब्लू, और पीला मतलब, पीला मतलब येलो। तो और ये कौन सा रंग है? यह है लाल, रेड, लाल, रेड कलर के रंग है। और कितना सुंदर नई पतंग, मेरा पतंग बहुत ही सुंदर है। ओके, तो एक बार फिर हम साथ में पढ़ते हैं। उड़ी पतंग, देखो मेरी नई पतंग, डोर के संग उड़ी पतंग, हरा नीला और पीला रंग, कितना सुंदर नई पतंग, है ना, बहुत सुंदर है। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? नहीं तो आज ही पतंग उड़ाने का प्रयास कीजिए। तो सब लोग नोटबुक निकालिए और हम अर्थ लिख लेते हैं। पतंग मतलब काइट, पतंग मतलब काइट। कितना, हाउ मच, व्हाट ए ब्यूटी, हाउ मच, सुंदर यानी ब्यूटीफुल। संग विथ, साथ। एक बार फिर से देखो, पतंग काइट, कितना, हाउ मच, सुंदर ब्यूटीफुल, संग विथ। लिख लिया, पढ़ लिया, ओके गुड। अब आपका गृह कार्य है। क्या है गृह कार्य? कविता तीन बार वाचन कीजिए, यू हैव टू रीड द पोयम थ्री टाइम्स। अर्थ पुस्तिका में लिखिए, और ये अर्थ हमने अभी अभी लिखा है ना, और इसे आपको पुस्तिका नोटबुक में लिखना है और उन्हें याद करना है। तो बच्चों, आप अपनी कविता को याद कीजिए और हम अगली कक्षा में उसके आगे के कार्य के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।